Hi guys, welcome back to our channel Goyal Family. By the way, मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि why we are freely promoting Goyal Family. ये Goyal है नहीं, मैंने Goyal रहना नहीं. तो हम लोग Goyal Family को क्यों promote करते हैं? ये बात तो सही है. अभी हम लोगों ने इस बारे में सोचा नहीं. जैसे मैं तो बंसल हो गई हूँ, मैडम ने भी आगे जाके कुछ ना कुछ तो हो ही जाना है, तो हम लोग Goyal Family को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? वैसे गाइज, आज मुझे एक लेडी मिली थी, वो हमारे क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल देखते हैं, तो थैंक यू सो मच हमारे चैनल देखने के लिए. यार मुझे भी याद आया, हम लोग अभी वोट देने गए थे ना परसों, तो तब हमें कोई मिला, तो उन्होंने कहा वीडियोस बनाते ना, बहुत अच्छी वीडियोस होती है. तो गाइज थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार देने के लिए. सीरियसली थैंक यू सो मच. और टीचर जी की शादी है. एक चीज वो क्या है, वो सोनू को देख के पहचाने, ऐसा क्यों है कि आप लोग मुझे देख के नहीं पहचानते? ऐसा मेरे अंदर क्या कमी है भाई? प्लीज यार मेरे को भी देखो, देख लो, इतना इनोसेंट सा चेहरा है, इनको मत देखा करो सिर्फ. सही बात है, समझे? सही बात. चलिए, यू नो ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट. यस. सो गाइस, बड़े दिनों बाद आज हम एक वीडियो लेके आए हैं. वैसे क्या था कि टीचर जी की शादी ने इतना ज़्यादा बिजी कर दिया था, इतना ज़्यादा मतलब होश ही नहीं था कि क्या हो रहा है. बट अब वापस से थोड़ा सा रूटीन में आने की सोची है, तो आज हम लोग जो वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए, हम लोगों ने वीडियो डाली थी पिंक फ्राइडे सेल नायका की. तो हम लोग बेसिकली नायका शीट मास्क का रिव्यू देने आए हैं आज इस वीडियो में. मैं ऑलरेडी ओपन कर चुकी हूँ. हम लोग ऑलरेडी वैसे बहुत सारे मतलब यूज़ कर चुके हैं. बहुत सारे तो नहीं, मैंने 2-3 तो यूज़ कर लिया. नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया. सच में नहीं किया? हाँ, मैंने नहीं किया. मतलब उस दिन मैंने सोचा था, फिर ये ओपन किया, बट मैंने यूज़ नहीं किया. हम लोगों को बाय 3 get 3 मिले थे, तो ये उस टाइम पे पिंक फ्राइडे सेल चल रही थी. बट अभी फिलहाल वैसे इसका प्राइस जो है वो 100 rupees है, और हमें 50 rupees का पड़ा था ये. यस यस. इसमें क्या करना होता है, ये हमने ओपन किया, अपना फेस क्लीन करना है, अप्लाई करना है, रिलैक्स करना है, फिर पील करना है, फिर मसाज करना है. ये क्या था? वो भी हम आपको सब करके दिखाएंगे. गाइस मैं ओपन कर रही हूँ, इसने तो ओपन किया हुई है. मीन वाइल मैं क्या कर लेती हूँ, अपना चश्मा उतारती हूँ. बेसिकली मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि हम इस वीडियो का टॉपिक दे रहे हैं लेट द स्किन ब्रीथ. लेट द स्किन बाय नायका प्रोडक्ट. जैसे हम लोग हेयर सीरम वगैरह लगाते हैं, तो ये उसी तरह का एक फेस सीरम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों को, हमारी स्किन प्रोटेक्शन के लिए, स्किन केयर के लिए. जैसे जैसे हम गाइस बड़े होते जा रहे हैं, तो हमें गाइस दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, बट हम चाहते हैं नायका के साथ स्पॉन्सर करना. हर वीडियो में कहते हैं हर किसी के साथ है, पर होता किसी के साथ नहीं. पता नहीं, मैं इसको खोल रही हूँ, ये ऐसा निकला. मैं इतना अपना फेस प्लेन वाटर से क्लीन कर रही हूँ. मेरा ऑलरेडी क्लीन है, क्योंकि मैं नहा के आई हूँ. ये नहा के हमको 4 दिन हो गए, मैं नहाई नहीं हूँ. ये ऐसी है. सो मैं अपना निकालती हूँ. Finally. मेरा तो बहुत ही बुरी हालत में है. अनफोल्ड एंड ले ओवर स्किन एंड टोन स्किन, रिलैक्स फॉर 10 to 15 minutes, रिमूव द मास्क एंड जेंटली पैट एक्सेस सीरम ऑन टू योर स्किन अंटिल फुली एब्जॉर्ब. नहीं पैट है, PAT. मतलब हिंदी में बताओ. अब बेसिकली हमें क्या करना है, ये हमने लगा लिया, निकालने के बाद 10-15 मिनट इसको छोड़ना है. जो स्किन है हमारी स्किन पे, जितना भी ये सीरम है वो एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए.
जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो ब्रीथ करेगी, ठीक है ना। सो गाइज अब आपको हम मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। मेरा हो गया ना सब कुछ, चलो लेट द स्किन ब्रीथ। बस जाना ही है, देखो उसके ऊ तो गाइस अभी का समय हुआ है 3:30 बज रहे हैं और हमें इसको कब तक लगाना है, 3:45 तक। तुम 32 से ज़्यादा नहीं दिखा रही हो, 3:45 तक 15 मिनट तक तो लगाना है ना। ज़्यादा 20 मिनट लगाओगे, आपको ऑलरेडी यूज्ड है तो आप 15 मिनट लगाना। ठीक है ओके, 15 मिनट लगाते हैं फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइस हम लोगों को 15 मिनट्स हो चुके हैं और अब हम इसको रिमूव कर रहे हैं और रिमूव करने के बाद जो सीरम आपके फेस पे रह जाएगा उसको आपको जेंटली मसाज करनी है। अब क्या करें, इसको ऊपर से ऐसे, ये उतर गया, ये पूरा ऐसे मास्क निकल जाता है। एंड देन अब आप देख रहे होंगे कि आपके फेस पे पूरा सीरम लगा हुआ है। देखिए अब आपको क्या करना है, जेंटली ताकि जितना भी सीरम है ना आपकी फेस में एब्जॉर्ब हो जाए और आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग लगे। मेरी लग रही है ग्लोइंग? नहीं, समय लगता है यार हर चीज़ लगता ना। है नहीं, मेरा तो खैर हैंड वैंड मुझे इफेक्ट लगने लग जाता है। गाइज अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा देर लगा के रखेंगे तो आपको मे बी स्किन अकॉर्डिंग के हिसाब से आपको ईचिंग भी हो सकती है, तो ये डिपेंड करता है आपकी स्किन के ऊपर कि आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव है। तो कम से कम वैसे 2 मिनट जो है आपको मसाज करनी है। हाँ ये बता रही हूँ आपको, ठीक है ना। ओके कम से कम 10 से 15 मिनट आपको मसाज करनी है। 10 से 15 मिनट सॉरी 2 मिनट 10 से 15 मिनट लगा के रखना है। देखिए काफी हद तक ये मेरे फेस में एब्जॉर्ब हो गया ना, तो फेस पे बहुत लाइट इतनी पड़ रही है। वैसे तो इसकी ज़रूरत क्या है बाहर की लाइट लैंप को, नेचुरल ग्लो क्यों नहीं बोलना आ रहा हमें, नेचुरल ग्लो बोलो, नेचुरल ग्लो ग्लो नहीं आया, बोलियो फंक्शन। सॉरी गाइस वैसी लड़की है। मज़ा आ गया यार, बड़ा अच्छा सा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। सो गाइस फाइनली लगा है फेस पे ग्लो ग्लो ग्लो। सो गाइस फाइनली पता है मुझे ना, मतलब ये वाली वीडियो में इतना एम्बैरेसिंग सा फील हो रहा है क्योंकि मुझे मतलब अब पता चला कि इतने सारे नोन्स भी देखते हैं, तो ऐसा होता है ना कि हम लोग थोड़ा से मतलब कुछ लोग के सामने हम लोग कुछ और होते हैं और कुछ लोग के सामने कुछ और होते हैं। नहीं, मैं सबके सामने एक जैसी हूँ। सो गाइस यार फाइनली देखिए, एक सेकंड, एक पहले मेरे को भी पॉइंट क्लियर करने दे वरना सब सोचेंगे। मतलब क्या होता है कि हम कुछ लोगों के साथ बहुत फॉर्मल होते हैं और कुछ के साथ बहुत इनफॉर्मल होते हैं, तो बस इसलिए बस इतना सा पॉइंट हो गया। हाँ सो गाइस फाइनली ये है हमारे फेस पे रिजल्ट, आप देख ही रहे होगे मेरी स्किन जो है वो थोड़ी सी ग्लो करनी है। वैसे जो है मेरी हमेशा जो है घंटा दो घंटा बाद ग्लो करनी चालू कर देती है, और दीक्षा जी की जो है ऑलरेडी ग्लो कर रही है। हाँ तो वैसे भी इनकी स्किन थोड़ी सी ग्लोइंग भी है, तो नहीं यार, ऐसा नहीं है। आप इसको 15 दिन में एक बार ज़रूर लगाए और ज़्यादा ट्राई करिए कि रात को लगा के सोए, ताकि जितना भी आपके ये जो सीरम होगा वो रात को आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाए, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब क्या होता है, हम लोग ने इस टाइम लगाया है, थोड़ा सा धूल में गए मिट्टी में गए वो हमारे स्किन पे कैच कर लेती है, तो मैं वो बेटर रिजल्ट आपको जो है वो नाइट में लगाए और सो जाए, और उसके बाद आपको वॉश नहीं करना, आपको वाटर यूज नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ऐसे ही छोड़ देना है। और कोशिश करिए कि आप लोग बाहर डस्ट के कॉन्टैक्ट में ना रहें। हाँ, और मैं एक बार और दोबारा से थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ कि आप लोगों को बस सीरम को खोलना है, उसके बाद ये बिल्कुल आपके फेस पे एग्जैक्ट आपके साइज़ का होगा, आपको इसको लगा लेना है। लगाने से पहले आपको कॉटन और पानी से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है, ताकि जो डस्ट के कॉन्टैक्ट में आप ऑलरेडी आए हुए हो वो एक बार क्लीन हो जाए,
ये लगाइए, उसके बाद आप 10, 15, 20 मिनट्स लगा सकते हैं। आप जितनी ज़्यादा देर लगाएंगे, हो सकता है आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो तो आपको ईचिंग भी हो सकती है, रेड कलर के रैशेज भी पड़ सकते हैं, तो आप उस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो मेरे अकॉर्डिंग इसको 15, 20 मिनट से ज़्यादा ना लगाएं, उसमें भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और वही बात है, लेट द स्किन ब्रीथ, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन के लिए, स्किन केयर के लिए प्रोडक्ट्स यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आजकल पॉल्यूशन लेवल भी कितना ज़्यादा हो चुका है, और ये एज इन कोई कॉस्टली नहीं है, सिर्फ 50 रुपीज़ का पड़ता है, इसकी MRP 100 है। बट यूजुअली नायका की ऐप से या नायका स्टोर पर मोस्टली ऑफर्स चलते रहते हैं, बाय वन गेट वन के, बाय थ्री गेट थ्री, बाय फोर गेट फोर, तो आप ऐसे ऑफर्स में बाय करिए, काफ़ी अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी स्किन के लिए, स्किन केयर करना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस यही था वीडियो में, और लास्ट में आपको बस अच्छे से जेंटली इसको मसाज कर लेना है पूरी अपनी, पूरे अपने फेस पे, और बाकी जो इसमें जो सिरम बच जाएगा आपका, इसको आपको फेंकना नहीं है, ये आपके वापस से यूज़ हो सकता है। आप इसको फ्रिज में रखिए, उसके बाद आप जब भी आपको लगे तो आप फेस पे अप्लाई कर सकते हैं फेस क्लीन करके। तो आज की वीडियो हमारी यही थी, और मेरा तो मन कर रहा है कि मैं रिव्यू ना देके आप लोगों से बातें करूं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग लाइव भी आएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार होता है, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे जब जब हमारी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। और अगर आपके पास कोई सजेशन है हमारी वीडियोस के लिए तो डेफ़िनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और हम लोग जितने हो पाए हम उतने रिप्लाई भी देते हैं। और इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया, और ऐसे ही हमारे चैनल पर आते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय बाय।